वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में। आप देख सकते हैं हमारे साथ सुशील कुमार मोदी सर, कितनी बड़ी जीत है। देखिए तो लैंडस्लाइड है, हम लोग पहले कहते थे तो लोग स्वीकार नहीं करते थे, ये लहर नहीं बल्कि सुनामी है। हम लोगों ने 14 भी देखा था और 19 भी देखा है। तो हम लोग की जो भविष्यवाणी थी बिहार के अंदर कि खाता भी नहीं खुलेगा, तो लगभग वही स्थिति बिहार के अंदर और एनडीए गठबंधन की हुई कि हम लोग और 38 सीट जीत चुके हैं। अब जहानाबाद की क्या स्थिति है लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, नीतीश कुमार और सारे लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है और जनता का आशीर्वाद और समाज के सभी वर्गों का वोट हम लोग को मिला है। अगर सभी वर्गों का वोट नहीं मिलता, इसे चाहे मुस्लिम हो या अन्य वर्गों का वोट, सभी वर्गों का वोट और नरेंद्र मोदी को मिला है, इस एनडीए अलायंस को मिला है और उसी का परिणाम है कितनी बड़ी जीत। अमेठी से राहुल गांधी पीछे, देखिए अंतिम परिणाम आने दीजिए, लेकिन इससे ये तो प्रमाणित हो गया कि राहुल गांधी क्यों वायनाड जा रहे थे। ये तो अगर वो जीत भी जाए तो भी उनकी यह हार है कि स्मृति ईरानी से लगातार 14-15 राउंड के बाद भी अगर वो पीछे चल रहे हैं, तो इस अगर अंत में कहीं वो फ्लूक में जीत भी जाए तो वो जीत जीत नहीं होगी, लेकिन हम लोग को भरोसा है कि स्मृति ईरानी जीतेंगे। महागठबंधन के लिए कुछ कहेंगे बिहार में, महागठबंधन के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना। अब तो हम लोग क्यों टिप्पणी करें उनके बारे में, उनका काम। हम लोगों को तो महागठबंधन के जो मतदाता थे उन लोगों ने भी छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। अगर महागठबंधन के मतदाताओं ने अगर वोट नहीं दिया होता तो इतनी बड़ी जीत नहीं मिल सकती थी। काफी बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट सुशील कुमार मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को जाता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।